स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 16 अगस्त, और 16 अगस्त के हमारे जितने भी द हिंदू के वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है इरोनियस। इरोनियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, गलत, रॉन्ग, फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, फॉल्टी, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, इम्परफेक्ट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फसाइल। फसाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, सरल या सिंपल, ओवर सिंप्लीफाइड, सैलो, सिंपल, ईजी, एफर्टलेस, इंजीनियस, अनप्रिटेंटियस, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, किसी को मुक्त कर देना या किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आज़ाद कर देना, फ्री, रिमूवल, अनरावल, क्लियर अप, डील विथ, एक्सट्रिकेट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, समूह, असेंबली, मीटिंग, ग्रुप, क्लस्टर, टीम, कॉन्ग्लोमेरेशन, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, व्याकुलता या चिंता, डिसमे, टेंशन, पैनिक, अनईज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टू हिट द सैक। ये एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर फॉर बेड या सोने को जाने के लिए तैयारी करना, तो इसका मतलब क्या होता है, टू हिट द सैक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑडियस। ऑडियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट या कठिन, डिफिकल्ट, स्ट्रेनियस, हार्ड, ऑडियस, अपहिल, स्टिफ, रिगरस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बैशफुल। बैशफुल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, संकोची, जो बहुत ही साय होते हैं, बहुत ही जिनको बहुत बोलते हैं, जो बहुत शर्माते हैं, उस टर्म में इसको यूज करते हैं। साय, इंट्रोवर्ट, डिम्योर, साय, डिफिडेंट, कॉन्ट्रा एक्टिव, सेम फेस्ड, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सैंग्विन। सैंग्विन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, आशावादी, बॉयंट, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, होपफुल, और इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, अलग करना, किसी को डिवाइड करना, अलग करना या सेपरेट करना, आइसोलेट, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, आइसोलेटेड, डिटैच्ड, अलूफ, सेग्रीगेटेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टू पैडल वंस ऑन कैनो। ये एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन वन सेल्फ, जो खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ डिपेंडेंट, उसे क्या बोलते हैं, टू पैडल वंस ऑन कैनो, मैनेज इन डिपेंडेंटली, बिना किसी के सहायता से ही सब कुछ मैनेज करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विंसन। विंसन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मनमोहक, मनोहर, चार्मिंग, डिलाइटफुल, लवली, फैसिनेटिंग, कमल, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है विटुपरेट। विटुपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, गाली देना, एब्यूज, रिवाइल, विलीफाई, एब्यूज, रिब्यूक, चाइड, विटुपरेट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है फ्लैजिशियस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा जो अपराधी होता है, घोर अपराधी, क्रिमिनल, फ्लैसियस, डेविलिस, एट्रोसियस, हीनियस, अवेंडेंट, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, असिस्ट, जो बहुत ही इम्पोलाइट हो, जो विनर्म ना हो, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर हो उनका, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्पर्टिनेंट, इम्पोलाइट, इंट्रूसिव, मेटलसम, एब्स्ट्रूसिव, ऑफिशियस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैस्ट्रो। मैस्ट्रो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जीनियस, बहुत ही माहिर, बहुत ही स्मार्ट, उस टर्म में इसको यूज करते हैं, एक्सपर्ट, जीनियस, एक्सपर्ट, मास्टर, फैंसियर, स्पेशलिस्ट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वह है एब्ड्यूरेट। एब्ड्यूरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, जिद्दी, स्टबर्न, पर्सिस्टेंट, ऑब्स्टिनेट, एब्ड्यूरेट, प्रिजर्विंग,
ग्नारलेड, ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसका मतलब क्या होता है सन की। एसेंट्रिक वेमिस्कल, फ्रीक एसेंट्रिक, बैटी बार्मी, कैप्रिसियस जो बहुत ही ज़्यादा सन की हो, बहुत अजीब सा बिहेव करता हो, छोटी छोटी बातों पे एंगर आता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC के एग्ज़ाम में ये मोर देन 10 times ये पूछा गया है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है नुगैट्री। नुगैट्री पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है बहुत ही तुच्छ, बहुत ही मतलब जिसका कोई इतना इंपॉर्टेंस ना हो उस टर्म में यूज करते हैं। इनसिग्निफिकेंट, पिन पॉइंट, फ्रिवोलस, मिसली, पेटी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है वफादार या वफादारी। लॉयलिटी, अधेरेंस, एफियंस, डिवोशन, फेथ, लिगनेश, लिगिनियस, ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा सेक्शन वो है रूट वर्ड का। आज का जो रूट वर्ड है वो है प्री। आप सबको पता ही होगा प्री का मतलब होता है बिफोर और एडवांस। इससे जो वर्ड है वो है प्रीजुडाइस जिसका मतलब क्या होता है प्री का मतलब क्या होता है बिफोर एंड जुडाइस टू जज करना किसी को। तो इसका मतलब क्या होता है प्रीजुडाइस मतलब किसी के बारे में पहले से ही जज कर लेना, किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना कि इसे मुझे विनर बनाना है या मुझे इससे कोई एक्टिविटी करवाना है, तो वो क्या बोलते हैं प्रीजुडाइस पूर्व धारणा। बायस, फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, प्रीजुडाइस, पार्टनरशिप, डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप वॉचिंग। जय हिंद।